ऊपरी हवा या दर्द हो या और कोई हो लकवा हो सारी चीजों में फायदा पहुंचता है। एक्स वाई जेड किसी भी चीज की समस्या हो तो उसका निवारण हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जो सामने रोड दिख रही है, ये आ रही है जयपुर से और ये टोंक जा रही है इस तरफ। ये देखिए, ये टोंक जा रही है। तो दोस्तों देखिए, ये है प्राचीन मंदिर श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव श्री पहाड़ी वाले बाबा। चाकसू में ये जगह पड़ती है। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज तपोभूमि। तो ये जो जगह है दोस्तों, ये शीतला माता के मंदिर के जस्ट पास में ही है। 1 से 2 किलोमीटर के आसपास ये जगह पड़ती है। तो अब मैं आपको पहाड़ी वाले बाबा के दर्शन कराता हूँ। चाकसू में जगह पड़ती है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं गोरखनाथ बाबा के, तो पहाड़ी वाले बाबा के नाम से फेमस है चाकसू में। उनके आपको दर्शन कराते हैं। बहुत ही शानदार और विहंगम दृश्य है पहाड़ के ऊपर, और मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये मेरे पीछे पहाड़ के ऊपर वो मंदिर बना हुआ है, शिव जी का मंदिर है ऊपर। तो मंदिर के दर्शन कराता हूँ आपको, और करीबन नीचे से ऊपर चलने के लिए 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। चलिए, पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेगी, तो चलिए दर्शन करते हैं बाबा के। इसका आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बाबूलाल है। बाबूलाल, तो बाबा किस चीज़ के लिए फेमस है? बाबा तो फिर सभी चीज़ों के लिए, कुछ भी हो एक्स वाई जेड ऊपरी हवा के लिए, सभी चीज़ों के लिए। ऊपरी हवा कोई भूत वगैरह या नहीं, एक्स वाई जेड ऊपरी हवा या दर्द हो या और कोई हो लकवा हो सारी चीज़ों में फायदा पहुँचता है। एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ की समस्या हो तो उसका निवारण हो जाता है। ये गुरु गोरखनाथ की जन्मभूमि है। यहाँ तपस्या की थी उन्होंने। और कोई नई चीज इनकी बताइए जो हमें तो नहीं पता। अब नई चीज तो क्या है कि बस यही चलता आ रहा है। इसमें बोले कितना पुराना है ये? आज मेरे को 25 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा अच्छा, आपको फायदा मिला? फायदा अटूट विश्वास है, होना चाहिए। सीधी समस्या हो गई। अच्छा, तो उसके लिए वापस मैं आ रहा हूँ 4 साल से, मेरे को फायदा। अच्छा, आपको किस चीज का क्या कोई क्या प्रॉब्लम? ये ऊपरी दिक्कत थी थोड़ी। अच्छा, फायदा। चलिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो दोस्तों हमें देखिए यहाँ पे श्रद्धालु मिले, और श्रद्धालुओं से बातचीत की हमने, और बातचीत करने पर पता चला कि यहाँ पे देखिए कि ये बता रहे हैं कि हमें काफ़ी दिनों से 20-25 साल से हम यहाँ आ रहे हैं और हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिला है। कई चीज़ों के रोग वगैरह यहाँ पे मुक्त होते हैं बाबा के दर्शन करने से। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे ऊपरी हवा, लकवा, जो भी बीमारी है, काफ़ी चीज़ें दूर होती है बाबा के दर्शन करने से। तो शक्ति तो है ही, इसीलिए लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर रिलीफ भी है लोगों को। तो दर्शन करने से रिलीफ मिल रहा है, तो लोग इसलिए आते हैं। राम 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 राम। नीचे से लगभग 300 सीढ़ियां हमें ऊपर चढ़नी पड़ेगी ऊपर। तो पानी की बोतल आप साथ में लाएं, तो बीच में सीढ़ियां मैं बीच में बैठने की व्यवस्था भी है, बैठ के पानी पिए और धीरे धीरे ऊपर चढ़ सकते हैं। ज़्यादा ऊंचाई नहीं है वैसे। हाँ, आप देखिए मंदिर में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। पानी की यहाँ पे ठंडे पानी की मशीन लगी है, आप देखिए। और ये विहंगम दृश्य है सामने की तरफ, ये पीछे का नज़ारा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कभी भी किसी भी मौसम में आ सकते हैं। मैंने गलत बोल दिया, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो। ज़्यादा मज़ा बारिश के मौसम आएगा। हाँ, चढ़ने में जिस समय हम आए इस समय भीड़ बहुत कम है। बाकी हमेशा यहाँ पे बता रहे हैं रमेश जी के काफ़ी भीड़ होती है। अच्छी जगह है। जय राम जी। कहाँ से आया? जयपुर जी। दर्शन करने तो सीढ़ियों पर चलते चलते थक जाए तो अंकल जी की तरह यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, देखिए साइड में वो नीचे से, वो देखिए नीचे मेन रोड है, मेन टॉक रोड, और आप अंदर आके इधर से आ सकते हैं। आधी दूर हम आ चुके हैं और आधी दूर और बची है। दोस्तों हमारी सांस भर चुकी है, अब कितनी भी सांस भरे लेकिन बाबा के दर्शन हम करके जाएंगे। सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेगी दर्शन करने बाबा के।
ये मेन गेट है दोस्तों। यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमर पड़ती है, जहाँ संत महाराज का मेला एवं सत्संग के कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं, जैसा कि आप वीडियो में सामने की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, सन 1508 ईस्वी में मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा ने चाकसू को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर महेंद्र रामचंद्र सोलंकी को प्रशासक नियुक्त किया था, जो टोडा राय सिंह रहते हुए शासन करते रहे, जो 1528 ईस्वी तक रहा और जिसकी सीमा सांगानेर तक बढ़ाकर अपने नाम पर सांगानेर शहर बसाया। इन्हीं के समय 1521 से 22 में शिव डूंगरी पर शिव मंदिर का निर्माण हुआ। पहाड़ी पर एक बावड़ी और व्रत वृक्ष भी हैं। दोस्तों, मंदिर में हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर भव्य धुना मौजूद है, जहाँ रोजाना हवन कुंड में हवन होता है। दोस्तों, इसके बाद हम मुख्य मंदिर में यहाँ पर प्रवेश करते हैं, जो कि भगवान शिव पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर में 3.3 फीट ऊंचा शिवलिंग और गर्भगृह में सन 2003 में शिव पार्वती की सुंदर प्रतिमा स्थापित की है। दोस्तों, इसके अलावा मंदिर में भजन कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं, जिन्हें सुनकर आप सारी थकान भूल जाते हैं। दोस्तों, ये था पहाड़ी वाले बाबा जी का मंदिर, जो पहाड़ के ऊपर बसते हैं। शिव जी का मंदिर मैं पुराना आपको दिखाया, यहाँ पे काफ़ी पुराना मंदिर है शिव जी का। शिव जी की आराधना ही करते थे बाबा, बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि रही है। तो इस तरह कुछ नज़ारा था बाबा का। तो चलिए चलते हैं, आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हमने दर्शन कर लिए, अब हम घर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।